लंबे इंतजार के बाद दोस्तों करण जौहर ने फिर से एडमिशन स्टार्ट कर दिए और इस बार जो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं वो है सेंट टेरेसा के लिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन ने फिर से स्टूडेंट्स को एनरोल कर लिया है और जो एडमिशन इस बार आए हैं वो एडमिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बार के जो एडमिशन हैं उसमें है टाइगर श्रॉफ जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उनके अगेंस्ट में जो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो एक ऐसे नाम है जो पहले कई सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का गुण दिखा चुके हैं। अभिषेक बजाज शायद दोस्तों पहली बार बड़े पर्दे पर आ रहे हैं और टाइगर श्रॉफ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं ये मूवी में है। सेंट टेरेसा में दोस्तों पिछली साल की ही तरह इस बार भी एक ट्रॉफी रखी गई है जिसका नाम है डिग्निटी ट्रॉफी और एज यूजुअल सारे के सारे लोग उस ट्रॉफी को जीतने के लिए अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। ट्रेलर में उसी तरह उसी एक्टिविटीज के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि टाइगर श्रॉफ को स्विमिंग, टाइगर श्रॉफ को रनिंग करते हुए दिखाया गया। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे उसी डिग्निटी ट्रॉफी के हिस्से हैं। मतलब उसी डिग्निटी ट्रॉफी में जो जो चीजें होने वाली हैं उन्हीं चीजों को ट्रेलर में दिखाया हुआ है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब पोस्टर रिलीज हुआ था उसी वक्त लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज था उस पोस्टर को लेकर, और जब ट्रेलर लॉन्च हुआ जो कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहले ही घंटे में 3 लाख लोगों ने उसको देखा था। मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से इस बार के सेशन का, और इस बार के नए सेशन में कई सारे स्टार्स की ये डेब्यू मूवी होगी, जैसे कि अनन्या पांडे, चंकी पांडे की जो बेटी है, इसके बाद तारा सुतारिया और अभिषेक बजाज, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों इस बार एक खास चीज और है कि जो प्रिंसिपल थे जिनका पहले जो रोल निभाया था द लेजेंड ऋषि कपूर जी ने निभाया था, इस बार प्रिंसिपल का रोल समीर सोनी निभा रहे हैं। समीर सोनी दोस्तों कई फिल्मों में आ चुके हैं, बिग बॉस में भी आ चुके हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है इंडस्ट्री में, एक मजे हुए कलाकार। तो इस बार डिग्निटी ट्रॉफी में बच्चों को दौड़ाने वाले समीर सोनी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टार कास्ट है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलिब्रिटीज के पुत्र और पुत्रियां हैं। यहाँ एक नाम मैंने आपको बताया जिनका डेब्यू है, तारा सुतारिया। दोस्तों तारा सुतारिया ट्विंस सिस्टर हैं। तारा सुतारिया एक प्रोफेशनल सिंगर है और मैं आपको बताऊं कि कई लोगों को नहीं पता लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री की 2 बेस्ट मूवीज में अपने गाने दिए हैं। एक मूवी तारे जमीन पे, इसमें इनका गाना था, और दूसरी गुजारिश, गुजारिश में भी इनका गाना। तो दोस्तों तारा सुतारिया भी एक जाना पहचाना नाम है और ओपरा सिंगर हैं। इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ओपरा सिंगिंग की है और वहीं पे जो इनकी दूसरी सिस्टर है पिया सुतारिया वो एक बैले डांसर है। मतलब दोनों ही बहनें काफी टैलेंटेड है। तो इस बार की स्टार कास्ट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत रिफ्रेशिंग यूथ को करण जौहर ने मौका दिया है इस बार। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इस बार के स्टूडेंट्स क्या पब्लिक की नज़रों में पास हो पाते हैं जैसे कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। होप सो, लेट्स सी क्या होता है मूवी में। और दोस्तों 10 मई को ये मूवी रिलीज हो रही है, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा जाएं और आप देखें कि इस साल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। तुम्हें सेंट टेरेसा से निकाला जाता है।
एक हाथ में गर्लफ्रेंड, एक हाथ में ट्रॉफी, ये है मेरा तेरी लाइफ का। पर ये तेरी किसी औकात स्टूडेंट नहीं, मेरे हुजूर ऑफ द ईयर। लेकिन ये तो अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, हाथों से डिग्निटी ट्रॉफी हारेगा और मेरे हाथों स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जिस दिन कबड्डी कबड्डी कहते हुए तेरे पाले में घुसूंगा, तेरी इज्जत के साथ साथ तेरी पहचान को भी हवा में उछाल दूंगा।